ऑनलाइन स्टूडेंट्स को आवाज़ आ रही थी, ऑडियो वीडियो क्लियर है? जल्दी से कंफर्म कर दो। पीछे आ रही है बस, ठीक है। फंक्शनल वाला फॉर्मेट निकाल लीजिए बुक में आप लोग सब, थोड़ा सा ही बचा है, इसको समझ के बना के खत्म करते हैं और कॉम्बिनेशन की कोशिश करके आज ही खत्म करते हैं, ठीक है। सो फंक्शनल में जो बचा हुआ पार्ट है आपका वो है अचीवमेंट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अचीवमेंट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब है कि आपने अपनी ड्यूरिंग द जॉब या ड्यूरिंग द एजुकेशन क्या अचीव किया है, क्या स्पेशल किया है। तो जैसे आप सीए का रिज्यूम बना रहे हो तो आप उसमें लिख सकते हो ऑल इंडिया रैंक आई है, ऑल इंडिया रैंक AIR, राइट, इंटर में आई है, फाइनल में आई है, तो इस तरीके से। या कोई कमेंडेशन सर्टिफिकेट मिला है, कोई नेशनल लेवल पे परफॉर्मेंस दी है, ऐसा कुछ लिख सकते हो। लेकिन अगर समझ नहीं आए कि क्या लिखना है, कंफ्यूजन रहे, तो आप लोग ये सेम दो पॉइंट्स लिख कर आ सकते हो। ईयर की जब बात करें तो ईयर का ध्यान रखना कि आप ये ईयर जो है ये पढ़ाई के टाइम के हो या फिर जॉब कर रहे हैं उससे जस्ट थोड़ा पहले का टाइम हो, सो ड्यूरिंग द एजुकेशन। ठीक है, लिखा आपने। फिर उसके बाद में आएगा आपका प्री प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। प्री प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है आपका ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस। इट्स अ ट्रेनिंग एक्सपीरियंस। तो इसमें हमेशा आप ध्यान रखना कि आपका जो डेजिग्नेशन होगा वो होगा इंटर्न का। जो ट्रेनिंग करते हैं उनको अपन बुलाते हैं इंटर्न। अब इंटर्न कैसी है, जैसे अगर सीए का है तो सीए इंटर्न,
एमबीए इंटर्न, बीटेक का है तो बीटेक इंटर्न, इस तरीके से आप इंटर्न का नाम लिख सकते हो। फिर उसके आगे डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के आगे नेम ऑफ कंपनी, प्लेस और कब से कब तक आपने काम किया। इसके आगे लिख लीजिए कंपनी, प्लेस और ब्रैकेट में ईयर। और इसमें इधर 1 पॉइंट बटे चेयर रखते हैं। लिख लो इस पर। देख लिया आप लोगों ने, तो एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस के आपको 6 पॉइंट्स दिए थे, उन 6 में से कोई सा भी एक पॉइंट आप यहाँ पर लिख सकते हो। रेफरेंस आपका सेम रहेगा, जैसा इसमें दे रखा है बिल्कुल वैसा, डिक्लेरेशन वगैरह वो सब चीजें सेम जैसे पहले पढ़ी पढ़ी थी अपन ने, बिल्कुल वैसे। इंटर्न के आगे डिपार्टमेंट जैसे आप लिखते हो ना, हाँ एक्सपीरियंस में लिखते थे क्रोनोलॉजी में वैसे। हाँ 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 प्री ट्रेनिंग एक्सपीरियंस लिखा ना, राइट। तो फ्रेशर हो तो मेन एक्सपीरियंस तो अपन लिखेंगे ही नहीं इस वाले में, तो इसमें अपन कुछ तो एक्सप्लेन करेंगे कि काम वाम थोड़ा बहुत कहाँ का आता है। तो आप इसमें प्री प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, ये बेसिकली आपका ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है जो आपने ट्रेनिंग दी है। ट्रेनिंग तो पढ़ाई के टाइम ही हो जाती है, और ट्रेनिंग में हमेशा आपका जो डेजिग्नेशन रहेगा वो इंटर्न का ही रहेगा। कई लोग ट्रेनिंग करते करते ही वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हैं, ऐसी जल्दीबाजी नहीं है अपने को, अपन इंटर्न ही रहेंगे। ठीक है, क्लियर है। अब आपको ये कौन सा वाला फॉर्मेट बनवाया था, इसका फंक्शनल में कौन से प्रोफेशन का बनवाया था, सीए का। तो आगे का कंप्लीट कर लो इसको फटाफट से। फटाफट से करो, कॉम्बिनेशन भी करेंगे आज ही। डिस्कशन नहीं, 5 मिनट का काम है ये बस। डिपार्टमेंट सीए के क्या क्या हो सकते हैं बताओ। एलिवेट,
ऑडिट डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, टैक्सेशन डिपार्टमेंट, अकाउंट्स फाइनेंस रिलेटेड डिपार्टमेंट आ जाएंगे सीधे के। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कर पा रहे हैं आप लोग? हो गया आयुषी? अचीवमेंट का सेकंड पॉइंट ये है कि कोई आपने कोई बुक है ना, उसका लेआउट बनाया है, मतलब उसका बाहर से कवर पेज वगैरह कैसा दिखेगा, तो आप क्रिएटिव तो हुई, तो आपने वो क्रिएटिविटी उसके थ्रू दिखाई है, लेआउट आर्टिस्ट हो आप उसके, तो ये किसी भी प्रोफेशन में क्रिएटिविटी तो हो ही सकती है। शैल वी डिस्कस? हो गया? हाँ, सिग्नेचर तो हमेशा ही करने, हर रिज्यूम के लास्ट में नेम लिखकर सिग्नेचर करने ही करने। लास्ट स्टूडेंट्स, बेटा इतना तो लिखना ही नहीं हो गया। और सो सबसे पहले अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं अचीवमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या लिखा आप लोगों ने? सेम पॉइंट्स लिखे हैं दोनों? किसी ने कोई अपने दिमाग से नहीं लिखा? किसी की ऑल इंडिया रैंक नहीं आई सीए में? अरे यार चलो ठीक है, तो ये तो तब बताया जब कुछ भी दिमाग में नहीं आया तो ये सेम लिख सकते हो, बाकी अगर कुछ आता है दिमाग में कुछ लिख सकते हो तो लिखना चाहिए अपनी तरफ से, राइट? ईयर ध्यान से लिखा है कि आप लोगों ने? आपका जो ईयर होगा वो कॉलेज के टाइम का होगा, राइट? सो आपका कॉलेज अगर 95 में अपन बर्थ है अपना, तो 10 में तो अपना 10th है, 12 में 12th है, फिर उसके बाद 15 में अपना ग्रेजुएशन है, और फिर उसके बाद अपनी सीए है। सो आप 2014 से लेकर 2020 तक का कोई टाइम लिख सकते हो।
ठीक है ओके। फिर उसके बाद में प्री प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में डेजिग्नेशन क्या लिखा आप लोगों ने? प्री प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में डेजिग्नेशन सी ए इंटर्न, डेजिग्नेशन सी ए इंटर्न। डिपार्टमेंट क्या लिखा? ऑडिट डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, किसने? टैक्सेशन डिपार्टमेंट, एनी अदर डिपार्टमेंट ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ठीक है, ये तो डिपार्टमेंट हो गया। फिर डिपार्टमेंट के पास नीचे क्या लिखा आपने? कंपनी का नेम। सो कंपनी का नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं। कंपनी के नाम के बाद कॉमा करके प्लेस लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है, ठीक है। फिर प्लेस के बाद में क्या लिखा है? ईयर। सो ईयर जो है वो आपका ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है, तो इंटर के बाद का ईयर आप लोग लिख देना, ठीक है। आई थिंक 18-19 के आसपास का ईयर हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हो जाएगा पॉइंट। कितने पॉइंट लिखे आपने? कहाँ से लिखे? एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस वाले लिखे? समरी वाले तो नहीं लिखते, छह में से कोई सा भी एक लिख सकते हो। फिर उसके बाद में लास्ट पॉइंट क्या लिखा? रेफरेंस। रेफरेंस में क्या लिखा? विल बी प्रोवाइडेड अपॉन रिक्वेस्ट। फिर उसके बाद में डिक्लेरेशन में सेम लाइन, डेट प्लेस और फिर ब्रैकेट में आपका नाम और सिग्नेचर। कोई डाउट किसी को? क्लियर है सबको? ठीक, अब आइए कॉम्बिनेशन फॉर्मेट पे। कॉम्बिनेशन फॉर्मेट मैं इसमें जहाँ जहाँ जो लिखवाते जाऊँ वो लिखते जाना, इसमें कुछ भी नया नहीं आएगा, एग्जैक्टली सेम चलेगा जैसे अपन ने क्रोनोलॉजी किया था फंक्शनल, उसके ही पॉइंट्स आएंगे, मिक्सअप होके आएंगे, राइट। सो कॉम्बिनेशन का मतलब ही ये है कि फंक्शनल फॉर्मेट और क्रोनोलॉजी फॉर्मेट का कॉम्बिनेशन, ठीक है। सबसे पहले लिखो राघव शेट्टी के आगे नाम। नेम लिखिए, नेम के जस्ट नीचे जो एड्रेस दे रखा है 1207 उसके आगे एड्रेस लिखिए। एड्रेस, एड्रेस के नीचे लिखिए प्लेस। प्लेस के बाद लिखिए आप कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल आईडी। कॉन्टैक्ट नंबर लिखने का तरीका यही रहेगा आपका, है ना? हाँ, एक में ही लिख लो, दो में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लिख लिया आप लोगों ने? फिर उसके बाद करियर ऑब्जेक्टिव में लिखो। क्या लिखोगे? सेम किसके जैसा? क्रोनोलॉजी। वेरी गुड, जो फंक्शन में लिखवाया था आप लोगों को, सेम एज क्रोनोलॉजी, सेम एज क्रोनोलॉजी। फिर उसके बाद में समरी ऑफ क्वालिफिकेशन। अब मैंने आपको जो नोट्स लिखवाए थे उसमें हेडिंग है क्या कोई समरी ऑफ क्वालिफिकेशन की? देखो खुद की आंखों से देख लो, नोट्स में है समरी ऑफ क्वालिफिकेशन। कितने पॉइंट्स है उसमें? 4 पॉइंट्स। एज इट इज लिख दोगे आप लोग? लिखो अब इसके आगे समरी ऑफ क्वालिफिकेशन के आगे यहाँ पर 4 पॉइंट्स। यस, 4 पॉइंट्स, ये बड़ा बनेगा रेज्यूम। समरी ऑफ क्वालिफिकेशन के आगे लिखिए 4 पॉइंट्स एज गिवन इन नोट्स। बताना 4 पॉइंट्स एज गिवन इन नोट्स। आपकी बुक में तो पैराग्राफ में दे रखा है, लेकिन आपको मैंने जो पॉइंट्स लिखवाए हैं वो बुलेट्स में ले रखे हैं, तो आप पॉइंट्स में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन चारों के चारों पॉइंट लिखना, चार के तीन मत करना, ठीक है। ये हो गया आपका समरी ऑफ क्वालिफिकेशन। फिर उसके बाद में आएंगे एजुकेशन पे। अब एजुकेशन की जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी वो क्रोनोलॉजी वाला चक्कर नहीं है कि पूरी डिटेल्स लिखो, जैसे फंक्शनल में लिखते थे ना लेटेस्ट एजुकेशन, वैसे इसमें लिखना है, लेकिन इसमें लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। इसमें कॉलेज का नाम पहले है और डिग्री नीचे है। उसमें पहले डिग्री लिखते थे, फिर इंस्टीट्यूट कॉलेज का नाम लिखते थे ना सी ए, सी ए के नीचे आई सी आई। ये कहता है पहले आई सी आई लिखो फिर सी ए लिखो, बस ये फॉर्मेट का फर्क है। तो जिंदल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के आगे लिखिए आप लोग नेम ऑफ कॉलेज। जिंदल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, इसके आगे लिखिए नेम ऑफ कॉलेज। उसके नीचे लिखिए प्लेस, पुणे महाराष्ट्र के आगे प्लेस। बुक नहीं, एक ही बुक है तो अपनी, तुम्हारी बुक है ये और तुम्हारी का है,
तुम्हारी है। सो लेक बुक एनसीसी की भी नहीं है, उसमें होगा ये फॉर्मेट शायद, तो उसमें लिख लो अभी, तो ये नोट कर लेना बाद में वरना याद नहीं रहेगा। ठीक है चलिए। सो पुणे महाराष्ट्र के आगे लिखिए प्लेस, अब प्लेस के बाद लिखिए आएगा आपका डिग्री, जैसे इसमें दे रखा है बीटेक ऐसे लिखिए डिग्री, बीटेक के आगे लिख लिया। अब इसमें इन्होंने आपको बता रखा है कि आपको मेजर एरियाज ऑफ स्टडी लिखने होंगे, सो मेजर एरियाज ऑफ स्टडी के आगे लिखिए फोर पॉइंट्स, मेजर एरियाज ऑफ स्टडी के आगे फोर पॉइंट्स। ठीक है, इसमें आपको ये लिखना है कि आपने जो भी पढ़ाई करी है उसमें बेसिकली क्या एरियाज ऑफ स्टडी है आपके, जैसे जर्नलिज्म के लिखवाए थे ना मैंने स्टार्टिंग में आपको, इन्वेस्टिगेशन याद है, फील्ड सर्वे, तो वो तो जर्नलिज्म के तो है आपके पास। अब जैसे मैं बात करूं मार्केटिंग की, तो मार्केटिंग के मेजर एरियाज ऑफ स्टडी क्या हो सकते हैं, मार्केटिंग के मेजर एरियाज ऑफ स्टडी सेल्स हो सकता है, और चार पॉइंट लिखने ना, एडवर्टीजमेंट हो सकता है, और नहीं डिस्काउंट तो स्टडी थोड़ा करते हैं इसकी, पब्लिसिटी, पब्लिसिटी हो सकता है, सेल्स प्रमोशन हो सकता है, राइट। फिर उसके अलावा आप वो बात कर सकते हो प्रोडक्ट मैनेजमेंट, प्राइस मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट, ऐसे पॉइंट्स लिख के आ सकते हो। तो ये आपको थोड़े से सोच के लिखने पड़ेंगे मेजर एरियाज ऑफ स्टडी, ठीक है, चार पॉइंट्स। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आप आ जाइए ओवरव्यू ऑफ स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। सो ओवरव्यू ऑफ स्किल्स एंड एक्सपीरियंस आप वापस नोट्स निकालो अपने, उसमें ओवरव्यू के पॉइंट्स आ रहे हैं क्या कहीं पे, आ रहे कितने पॉइंट्स हैं, तो वो लिखो इसके आगे, लिखिए ओवरव्यू के आगे फोर पॉइंट्स एज गिवन इन नोट्स, फोर पॉइंट्स एज गिवन इन नोट्स। ठीक है, ये तो ओवरव्यू के पॉइंट्स हो गए। अब आइए आप लोग एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस, एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस में भी आप लेटेस्ट एक्सपीरियंस ही लिखोगे इसमें, तो जेबी केमिकल्स के आगे तो नीचे लिख लो, जेबी केमिकल्स के नीचे नेम ऑफ कंपनी शॉर्ट में लिख लो छोटा छोटा, जेबी केमिकल्स के नीचे नेम ऑफ कंपनी, पुणे महाराष्ट्र के आगे लिखो प्लेस, नेम ऑफ कंपनी कॉमा करके प्लेस, और फिर उसके बाद आएगा आपका ईयर, कब से कब तक काम करा लेटेस्ट, एक ही, हाँ एक ही लाइन में आएगा सर, नेम ऑफ कंपनी, कंपनी कहाँ पर है और उस कंपनी में कब से कब तक आपने काम किया। फिर उसके नीचे सेल्स मैनेजर के आगे लिखिए पोस्ट या डेजिग्नेशन, पोस्ट लिख लो POST, किस पोस्ट पे काम किया। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो पॉइंट्स दे रखे थ्री पॉइंट्स, इसके आगे लिखो थ्री पॉइंट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस, थ्री पॉइंट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस एज गिवन इन नोट्स, थ्री पॉइंट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस एज गिवन इन नोट्स। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आओ आप स्किल्स पे, कंप्यूटर स्किल्स दे रखा है, कंप्यूटर को काट दो खाली स्किल्स हेडिंग बनाओगे, स्किल्स के ब्रैकेट में लिखिए फोर पॉइंट्स एज क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी के जो चार पॉइंट लिखे थे ना स्किल्स के, एग्जैक्टली सेम, सो फोर पॉइंट्स ऑफ स्किल्स एज रिटन इन क्रोनोलॉजी फॉर्मेट, फोर पॉइंट्स ऑफ स्किल्स एज रिटन इन क्रोनोलॉजी फॉर्मेट। ठीक है, लिख दिया आप लोगों ने। फिर स्किल्स के आगे आप लोग लिखिए रेफरेंस, रेफरेंस वही आपका सेम, डिक्लेरेशन सेम, बाकी सबसे सेम, तो अब इसमें कोई भी पॉइंट एक्स्ट्रा नहीं आया, सारा पहले का जो पढ़ा हुआ है वही सब अपन ने मिक्स मैच करके कर दिया, राइट। क्वेश्चन लिखो, ड्राफ्ट अ कॉम्बिनेशन फॉर्मेट, काम तो करना ही पड़ेगा, ड्राफ्ट अ कॉम्बिनेशन फॉर्मेट
शॉर्ट करके कैसे लिखोगे? पूरा लिखना पड़ेगा सो ड्राफ्ट अ कॉम्बिनेशन फॉर्मेट फॉर द पोस्ट ऑफ फाइनेंस मैनेजर ड्राफ्ट अ कॉम्बिनेशन फॉर्मेट फॉर द पोस्ट ऑफ फाइनेंस मैनेजर ड्राफ्ट अ कॉम्बिनेशन फॉर्मेट फॉर द पोस्ट ऑफ फाइनेंस मैनेजर फुल स्टॉप आगे लिखो यू आर जय और जया जैसे लिखना चाहो नाम अपना यू आर जय और जया फ्रॉम मालवीय नगर फ्रॉम मालवीय नगर न्यू दिल्ली यू आर जय और जया फ्रॉम मालवीय नगर न्यू दिल्ली। अब मैं इसमें आपको कुछ नहीं बता रही कि क्या आप एजुकेशन लिखोगे, क्या आप इसमें एक्सपीरियंस लिखोगे, कैसे लिखोगे, जो खुद के दिमाग से पूरा लिख सकते हो। मानो कि एग्जाम का क्वेश्चन है, खुद को ही करना है अपने को। आपके पास कंटेंट सारा है, इसको बनाने में टाइम जरूर लगेगा, 10-12-15 मिनट तक लग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरा दिमाग लगा के बनाओ। कहीं पर अटक रहे हो, फंस रहे हो, तो उसकी जगह छोड़कर आगे बढ़ जाना, लेकिन फॉर्मेट पूरा बनना चाहिए। कौन स्टार्ट? कोशिश करो 10 मिनट में ही करने की। नहीं होगा? आधा घंटा तो नहीं बेटा, 5 नंबर क्वेश्चन में आधा घंटा क्या करेगा? 10 से 15 मिनट में हो जाएगा, होता है आराम से। शॉर्ट सोच के तो कुछ लिखना ही नहीं है। सोच के लिखना होता तब तो रिज्यूम आपके लिए बहुत भारी हो जाता। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी स्टार्ट करिए। डिस्कशन नहीं बेटा, वैसे ही रिज्यूम बड़ा डिस्कस करोगे तो टाइम तो होगा ही नहीं। हेलो सुमन, मेरा काम हो गया।
मैं ही पूछी थी अपने। अच्छा इन्विजिलेशन पार्क का, ठीक है। मैं ये पूछूँ कोई और टेस्ट भी है क्या, कोई क्लास कैंसिल होगी क्लास? हाँ मॉक टेस्ट वगैरह हो गए थे इतने सारे आज जो 13 तारीख को? अच्छा आज होगा, नहीं मैं ये पूछना चाह रही हूँ मेरी लास्ट की कोई क्लास कैंसिल होगी क्या, आज कोई टेस्ट वगैरह है क्या? हाँ क्योंकि एक्चुअली मैं आपको गई हूँ लेकिन तबीयत ठीक नहीं लग रही है तो मैं देखती हूँ कब तक सर्वाइव होता है। तक पहुंचे समरी ऑफ क्वालिफिकेशन हो गया या चल रहा है? कंप्लीट हो जाना चाहिए अभी तक समरी ऑफ क्वालिफिकेशन, यही तो दिमाग लगाना। आज कुछ नहीं बताएंगे, आज सारा दिमाग आपका ही है। यही तो दिमाग लगाना है इसमें, आज खुद का ही दिमाग लगाओ सारा। कहीं फंस रहे हो तो वो जगह छोड़ के आगे बढ़ जाओ, टाइम वेस्ट मत करो पहले। सारा दिमाग ही एजुकेशन में लगाना है आप लोगों को इस बार इसमें, बाकी तो सब रेडी है आपके पास, तो वो खुद से करने की कोशिश करो श्वेता।
अभी निखिल ही लास्ट में बताएंगे कि क्या लिखें डिग्री में, आप अपने दिमाग से लिख लो पहले, क्योंकि अभी बता दिया तो फिर बाकी लोग भी दिमाग नहीं लगाएंगे। क्या लगाओगे फिर उसके बाद बचेगा ही क्या? कौन से वाले पॉइंट पे हो अभी? ओवरव्यू एक्सपीरियंस। पूरा टाइम ही निकालूंगी क्या आज क्लास का? Thank you.
हो गया? गुड। रेस्ट ऑफ यू, किस किस का हो गया? यहाँ पे सारे पॉइंट्स लिखे हैं पीछे, कोई स्किप तो नहीं किया? किया है? कौन सा? लगाओ दिमाग, लगाओ, खाली मत बैठो इतने देर। कर लें डिस्कस, दो मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी, 5 मिनट का तो। किस किस का नहीं हुआ अभी तक? आई कैन सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुआ नहीं तुम्हारा अभी तक? तुम्हारा हो गया? करो फिर भी अच्छी स्पीड पकड़ लिया आपने, ये काम घर पे नहीं होता, घर पे पक्का आधा पौन घंटा लगता है इसको करने में। घर पे तो आराम से होता है, धीरे धीरे। हाँ ये बड़ा रिज्यूम है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ दिमाग तो कुछ लगाना नहीं, बस पॉइंट्स पॉइंट्स भी अलग से नहीं याद करने, वही जो पहले के याद कर रहे हैं वही करने। मैम बहुत बड़ा है। हाँ तो वो तो होगा ही बेटा, डिग्री भी तो फिर सीए की मिलेगी नमन, तब काम करेंगे तो। क्या क्या टॉपिक्स हो गए अपने? रिज्यूम अपना हो जाएगा मंडे ट्यूसडे तक लास्ट, रिज्यूम भी मान ही लेते हो गया, लेटर हो गया, मेल हो गया और मीटिंग्स हो गया, ये चार ही हुए ना। कम्युनिकेशन या तो करेंगे अगला शुरू या फिर वो करेंगे मैसेज वगैरह। Thank you.
एजुकेशन में लगाओ दिमाग. एजुकेशन में आपको ये बोला है कि फाइनेंस, कौन सी पोस्ट के लिए बोला है? फाइनेंस मैनेजर. तो एमबीए कर लो बेटा. वैसे तो आपको डिप्लोमा बता रहे थे, बट फाइनेंस एंड मार्केटिंग इनमें तो सब एमबीए होता ही है. तो एजुकेशन में आप लोग एजुकेशन का समझ लो सबसे पहले. जिनका नहीं हुआ वो भी पहले एजुकेशन समझ लीजिए. सबसे पहले तो आप एजुकेशन में लिखेंगे कॉलेज का नाम. ठीक, कॉलेज के नेम के जस्ट नीचे आप क्या लिखेंगे? प्लेस. इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप रियल और रिज्यूम कुछ भी लिख सकते हो. हाँ, कोई भी लिख सकते हो. हाँ, आई एम देखो अपने रिज्यूम में तो आई एम से ही करो. राइट, जब फेक नहीं है तो अच्छे से ही फेको. राइट, फिर उसके बाद में डिग्री. डिग्री में आप इसमें लिखिए, लिखो एम बी ए इन डिग्री वाले पॉइंट में. अगर एजुकेशन में कॉलेज नहीं लिखा तो दो लाइन छोड़ देना उसकी. फिर उसके नीचे देखो एम बी ए इन फाइनेंस, यही लिखा है तो फिर दिक्कत क्या थी? एम बी ए इन फाइनेंस. ब्रैकेट में लिखो टू इयर्स पोस्ट ग्रेजुएट, पी ओ एस टी जी आर ए डी यू ए टी ई, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम. जैसे वो बीटेक का लिखा हुआ है ना आपके, थ्री इयर्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम. तो बीटेक तो अंडर ग्रेजुएशन की होती है, एमबीए आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का होता है, दो साल का होता है. तो आपने वही लिख दिया टू इयर्स पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम. ठीक, फिर उसके बाद में आपके आएंगे मेजर एरियाज ऑफ स्टडी. सो फाइनेंस में मेजर एरियाज क्या हो सकते हैं? कॉस्टिंग हो सकती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो सकता है, टैक्सेशन हो सकता है. राइट, टैक्स के अलावा और क्या हो सकता है? इन्वेस्टमेंट हो सकता है, बैंकिंग हो सकता है, लॉ नहीं, बैंक फाइनेंस रिलेटेड बैंकिंग हो सकता है. उसके अलावा वर्किंग कैपिटल पढ़ी है ना आप लोगों ने, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हो सकता है, रेशियो एनालिसिस हो सकता है. तो जो आपने फाइनेंस में टॉपिक्स पढ़े वो नाम दे सकते हो आप लोग सारे. इन्वेस्टमेंट्स भी हो सकते हैं, व्हाई नॉट, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट हो सकता है. बिल्कुल, तो चार ही लिख रहे, छह सात डिस्कस कर लिए अपन ने. आए आप लोगों को कैसे लिखना है इसमें? तो ये था आपका एजुकेशन वाला पॉइंट. ठीक, एजुकेशन में मेजर इशू था. तो अब आपको ये मंडे को मैं पूरा रिवाइज करवा देती हूँ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक. फिर एक रिज्यूम और एक कवर लेटर बचेगा, वो मंडे को ही करते हैं. कौन सा? वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. ठीक है, हाँ जी. कौन सा डिपार्टमेंट? लेकिन डिपार्टमेंट तो लिखना ही नहीं है इसमें, इसमें एरिया लिखना है कि आपने क्या क्या पढ़ाई करी है इस वाले सब्जेक्ट में. ठीक है, सो एनी डाउट टू एनी ऑनलाइन स्टूडेंट? ओके देन, थैंक यू वेरी मच. ओके बेटा. Thank you.